जमशेदपुर के साक्ची जेल के जेलर उमा शंकर पांडे की हत्या 12 मार्च 2002 को जेल परिसर आवास में घुसकर अखिलेश सिंह और संतोष पाठक ने की थी। भीड़ ने संतोष पाठक को पीट पीट कर मार डाला था, जबकि अखिलेश सिंह मौके से भागने में सफल रहा था। हत्याकांड में सिंह को आजीवन कारावास की सजा 3 जनवरी 2006 को जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय ने सुनाई थी। 2007 में मां की इलाज के लिए सिंह को न्यायालय ने पेरोल दिया था और तब से वह जेल आता जाता रहा। पेरोल खत्म होने पर भी वह उपस्थित नहीं हुआ था। पर अब जेलर उमा शंकर पांडे की हत्या के मामले में गैंगस्टर अखिलेश सिंह की अर्जी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंटन अली नरीमन और बीआर गवई की खंडपीठ ने खारिज कर दी है। अर्जी पर 9 अगस्त को न्यायालय में सुनवाई हुई थी। इसके साथ ही उसका जेल से निकलना मुश्किल हो गया है। अखिलेश की ओर से अपील अर्जी पर महेश डेट मलानी, कृष्णपाल मावी, एम ए नियाजी समेत 10 वकीलों ने बहस की। अदालत ने अपील को तत्कालिक रूप से स्थगित किया, जबकि इस मामले में नवंबर में अंतिम फैसला लिया जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।